बहुत से पुरुष अपनी पार्टनर को सही से उत्तेजित नहीं कर पाते हैं। इंटरकोर्स से पहले फोरप्ले करना बहुत जरूरी होता है। फोरप्ले भी इस तरीके से करना चाहिए कि आपकी पार्टनर फोरप्ले से काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाए। यह तभी होगा जब आप अपनी पार्टनर के उन अंगों को स्पर्श करें जिससे वह काफी उत्तेजित हो जाती हैं। आज हम आपको महिलाओं के कुछ ऐसे अंग बताएंगे जहां छूने से वह उत्तेजित हो जाती हैं। घुटनों के पीछे। महिलाओं की यह जगह अक्सर अनदेखी की जाती है। यह क्षेत्र तंत्रिका अंत में समृद्ध है और अत्यधिक संवेदनशील है। अगर आप अपनी पार्टनर के इस अंग पर किस करते हैं तो वह काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाएगी। आंतरिक जांघ। यदि आप महिलाओं की जांघ के पीछे वाले हिस्से पर स्पर्श करते हैं तो वह उत्तेजित हो जाएगी। जब आपकी पार्टनर को सेक्स की इच्छा नहीं हो रही है तो आप उनको किस करते हुए उनकी जांघों को छुएं। आपकी पार्टनर उत्तेजित हो जाएगी। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाए तो आप उनकी जांघों पर किस भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी पार्टनर काफी उत्तेजित हो जाएगी। महिलाओं की जांघों का आंतरिक भाग काफी ज्यादा संवेदनशील होता है। हाथ। अब आप सोच रहे होंगे कि महिलाओं के हाथ कैसे उत्तेजक अंग हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप अपनी पार्टनर के हाथों को अच्छे से स्पर्श करते हैं तो आप उसे उत्तेजित कर सकते हैं। महिलाओं के हाथ सबसे महत्वपूर्ण इरोजेनस जोन में से एक हैं, जहां स्पर्श करने के बाद महिलाएं काफी उत्तेजित हो जाती हैं। गर्दन। महिलाओं की गर्दन पर किस करना उन्हें काफी ज्यादा उत्तेजित कर सकता है। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा जब एक्टर किस करते हुए महिला की गर्दन पर किस करने लगता है और महिला काफी उत्तेजित हो जाती है, जिसके बाद वह सेक्स भी करते हैं। कान। महिलाओं का यह हिस्सा काफी संवेदनशील होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि महिलाओं के कान संवेदनशील नहीं होते, लेकिन वह गलत सोचते हैं। महिलाओं के कान संवेदनशील होते हैं और जब आप महिलाओं के कान को चूमेंगे तो वह बहुत उत्तेजित भी हो जाएंगी। महिलाओं के कान पर अगर आप कोमल स्पर्श से लेकर चंचल जीभ का प्रयोग करते हैं तो आपकी पार्टनर उत्तेजित हो जाएंगी, चाहे वह बेडरूम के अंदर हो या बाहर। याद रखें, संचार आवश्यक है। यह बेहतर सेक्स की कुंजी है और परमानंद के उस शिखर तक पहुँचने के लिए मानसिक रूप से उसके मन को उत्तेजित करें।